मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट अड्डे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 का जो फिजिक्स वाला चैप्टर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए इससे पहले की तो एक्सरसाइज कुछ दिए हुए हैं, अगर आपने वो पूरा नहीं देखा है तो जाके पूरा देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पे हम देखेंगे उसके समरीज, देखेंगे कि किस तरह से हम उसके समरीज यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे नोट देखेंगे, जो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे नोट दिया है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। स्टूडेंट का नोट ये हमारे पास दिया, द एक्सरसाइज गिवन हेयर आर मेंट टू बी द एक्सचेंज इनहेंस योर अवेयरनेस अबाउट द इशू सराउंडिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड द इनकरेज यू टू थिंक एंड द फॉर्मुलेट योर व्यूज अबाउट देम। तो ये सारी जो चीजें एक्सरसाइज दी हुई है ये आपके अवेयरनेस को इन्हेंस करेगा, आपके जो आसपास में जो इश्यूज है, जो साइंस के इश्यूज है, जो टेक्नोलॉजी और सोसाइटीज वगैरह जो इनकरेज करे उसको आगे लेके जाएगा। एंड द क्वेश्चंस मे नॉट हैव द क्लियर कट ऑब्जेक्टिव आंसर्स। तो क्वेश्चन जो हमारे पास हो सकता है कुछ के क्लियर होंगे चाहे नहीं भी होंगे, पर यहाँ पे आपके इश्यूज जरूर क्लियर होंगे, ठीक है। मतलब आप सीखेंगे जरूर बहुत अच्छी सारी चीजें, ठीक है। नोट फॉर द टीचर के लिए हमारे पास नोट क्या दिया हुआ, द एक्सरसाइज गिवन हियर नोट फॉर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मल एग्जामिनेशन। ये फॉर्मल एग्जामिनेशन के पर्पस से ये हमारे पास नहीं दिया हुआ, आपकी नॉलेज पर्पस से दिया हुआ। देखिए 1.1 में दिया, सम ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड स्टेटमेंट ऑन द नेचर ऑफ द साइंस हैव सम कम फ्रॉम द एल्बर्ट आइंस्टीन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे ऑल टाइम, मतलब हजारों साल में एक आध बंदे, एक आध लोग जो पैदा होते हैं तो उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे पास एक अलग थे, ठीक है। दूसरे हमारे पास थे अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो इलॉन मस्क जो है हमारे पास, इलॉन मस्क जो है वो हमारे पास अभी के टाइम के समझिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन है, मतलब साइंटिस्ट नहीं है पर वो एक एंटरप्रेन्योर है, एक साइंटिस्ट टाइप के ही हैं समझिए, क्योंकि पढ़ पढ़ के उन्होंने रॉकेट साइंस बना दिया। तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। व्हाट डू यू थिंक डिड आइंस्टाइन मीन व्हेन ही सेड द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड इज दैट द कॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग क्या है हमारे पास, जो कॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब बहुत ही इसको बोल सकते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिस का मतलब यहाँ पे होगा कि जो उलझी हुई चीजें क्या है, जो कि जो सुलझी हुई चीजें हैं वही एक्चुअली में उलझी हुई। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। एवरी ग्रेट फिजिकल थ्योरी स्टेट एज अ हेरेसी एंड द एंड एज अ डोगमा। तो गिवन सम एग्जाम्पल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड द वैलिडिटी ऑफ द इनसाइप्स रिमार्क, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल एंड सिमिलरिटी साइंस इज द आर्ट ऑफ सॉल्यूबल। साइंस हमारे पास किसी सॉल्यूशन का एक आर्ट होता है, एक्सप्लेन करता है जो कि ब्यूटिफुल अप्रोजिमा को एंड द नेचर ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द साइंस को एक्सप्लेन करता है। थ्रू इंडिया नाउ हैज अ लार्ज बेस इन साइंस एंड देन टेक्नोलॉजी विच इज फास्ट एक्सपेंडिंग। इंडिया में लार्ज बेस है साइंस और टेक्नोलॉजी का जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, एंड इट इज स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम द रियलाइजिंग अ पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग अ वर्ल्ड लीडर इन साइंस। एंड नेम सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन यू व्यू एंड द हिंडर्ड एंड द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस इन इंडिया, जो कि साइंस के एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा वो रोल निभा रहा है, ठीक है। एंड द फिजिसिस्ट हैव एवर सीन अन इलेक्ट्रॉन। फिजिसिस्ट कभी भी, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक प्रैक्टिकली प्रूव किया गया, देखा नहीं गया। येट ऑल फिजिसिस्ट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द इंटेलिजेंस, बट द सुपरस्टिशियस, जिसको बोलते हैं सुपरस्टिशियस मैन, एडवांस दिस एनालॉजी टू आर्ग्यू दैट द घोस्ट एग्जिस्ट एवर थ्रू नो वन हैज सीन वन। How will you review this argument? देखिए जो फिजिसिस्ट है उन्होंने कभी इलेक्ट्रॉन को तो देखा नहीं, पर प्रैक्टिकली प्रूव है वो, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, पर कुछ ऐसे सुपरस्टिशियस मैन जो हैं, जो कि
भूत वगैरह में विश्वास करते हैं, तो उन्होंने कभी देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन उस चीज को विश्वास करते हैं, तो ये कोई आर्गुमेंट मतलब इसके ऊपर नहीं कर सकते। जिनको मानना है वो मान सकते हैं, जिनको नहीं मानना है वो नहीं मानते हैं, ठीक है। द शेल ऑफ स्क्रैप फाउंड अराउंड अ प्रैक्टिकल कोस्टल लोकेशन इन जापान सीम्स मोस्टली टू रिजेंबल द लेजेंडरी फेस ऑफ सैमुराई, ठीक है। तो शेल ऑफ जो क्रैप्स जो होते हैं हमारे पास, कछुए जो एक तरह से बोल सकते हैं, उसके जो शेल है जो कि प्रैक्टिकल कोस्टल लोकेशन में पाए जाते हैं जापान के, मोस्टली द रिजेंबल एंड द लेजेंडरी फेस ऑफ द सैमुराई। सैमुराई एक जगह का नाम है जापान में पाया जाता है, तो वहाँ का एक कोस्टल मेन चीज वही है। गिवन बिलो टू द टू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ऑब्जर्व्ड फैक्ट विच ऑफ दिस स्ट्रिक्ट ड्यू टू द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब इससे आपके पास दो ऑब्जर्वेशन होता है और जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को बताता है। देखिए, ट्रेजिक सी एक्सीडेंट सेवरल सेंचुरी अगो एंड ड्रॉन अ यंग समुराई एंड एज अ ट्रिब्यूट टू द ब्रेवरी नेचर थ्रू इट्स इनस्क्रबल वे इम्पोर्टेंटलाइज हिज फेस बाय द इम्प्रिंटिंग इट ऑन द क्रैप शेल इनटू दैट एरिया। तो बहुत समय पहले की बात है, तो सी एक्सीडेंटल जो हुआ था, ठीक है, तो उस समुराई में उस वो जो स्क्रैबल्स जो है बहुत ज्यादा आए थे, ठीक है, तो जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा है। एंड आफ्टर द सी ट्रेजिडी फिशरमैन इन दैट एरिया इज द गेस्चर ऑफ द ऑनर टू देयर द डेड हीरो एंड लेट फ्री एनी क्रैप शेल कॉज्ड बाय देम एंड विच एक्सीडेंटली हैड अ शेप रिजेंबलिंग एंड द फेस ऑफ द समुराई। तो वहाँ पे जो फिशरमैन वगैरह जो है वो एक्चुअली में उसको ऑनर्स ऑनर दिया जाता है एंड द डेड हीरो के फॉर्म में वहाँ पे पाया जाता है। एंड जो क्रैप्स वगैरह जो थे, क्रैप के सेल जो पाया जाता है, तो विच एक्सीडेंटली हैड अ शेप रिजेंबल करते हैं, उसके शेप को बनाते हैं एंड फेस ऑफ समुराई, समुराई के फेस वैसे ही हमारे पास बताया जाता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली द पर्टिकुलर शेप ऑफ द क्रैप शेल सर्वाइव लॉन्गर एंड देयरफॉर इन कोर्स ऑफ टाइम टू द शेप वाज जनरली प्रोपागेटेड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इवोल्यूशन बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। तो जो शेप होते हैं क्रैप के, जो शेप होते हैं उसको लेकर के मतलब वो लोग बनाते हैं, उसके शेप को रिजेंबल करते हैं और उस रक्षा कवच जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो नोट करने वाली बात यहाँ पे, द इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन टेकन फ्रॉम द कार्ल सेगन एंड द कॉस्मो highlight the fact into the often stranger and the inexplicable facts which on the first sight appear and the supernatural actually turns out to have the simple scientific explanation. तो यहाँ पे जो सुपर नेचुरल है जो वो सिंपल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के द्वारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ट्राई टू थिंक आउट देयर द एग्जाम्पल ऑफ द स्काई, इस तरह की चीज़ों को हम एक बार देखते हैं कि क्या है ये सारी चीज़ें। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द इंग्लैंड एंड वेस्टर्न यूरोप मोर देन टू सेंचुरी अगो वाज ट्रिगर्ड बाय द सम काइंड सम की साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस। व्हाट वेयर वाज दिस एडवांस? तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे कल कारखाने की बात करके, तो 200 साल पहले वहाँ पे जो इंग्लैंड में रिवोल्यूशनाइज्ड हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस वहाँ पे हुआ, क्योंकि उस टाइम में बिजली वगैरह भी ऑलमोस्ट आ गई थी, तो उस टाइम में बिजली आने के बाद ही वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाया। इट इज ऑफ्टन सेड दैट वुड बी द विटनेसिंग नाउ अ सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच विल ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी एज रेडिकली एज डिड द फर्स्ट एंड लिस्ट सम की contemporary areas of science and the technology which are responsible for the revolution. तो क्या क्या सारी चीजें हैं जो कि टेक्नोलॉजी को रिवोल्यूशन करने में उसका रिस्पॉन्सिबल है, उस सब चीज को यहाँ पे बताया गया है। एंड द राइट इन अबाउट द थाउजेंड वर्ड इन टू द फिक्शन पीसेस बेस्ड ऑन योर स्पेक्टुलेशन ऑन द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ द 22nd century। 22nd century में आपके व्यूज के अकॉर्डिंग 1000 words लिखना है जो कि स्पेक्टुकुलेशन है साइंस का और हमारे आज मॉडर्न साइंस का क्या क्या चीजें हैं।
अटेम्प्ट्स ऑफ द फॉर्मुलेट टू द मोरल व्यूज ऑन द प्रैक्टिस टू साइंस एंड इमेजिन योर सेल्फ स्टम्बलिंग अपॉन अ डिस्कवरी. तो एक साइंस को स्टम्बलिंग डिस्कवरी के फॉर्म में हम देखेंगे. विच हैज ग्रेट एकेडमिक इंटरेस्ट बट इज सर्टेन टू हैव द नथिंग बट डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ह्यूमन सोसाइटी. तो ये एक तरह से एक भयावह सच है और ये कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी ह्यूमन के लिए. एंड हाउ इफ एट ऑल विल यू रिजॉल्व द डायलेमा. तो ये सारी चीज़ों को हम रिजॉल्व कर सकते हैं क्या, जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस है, जो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएटेड है हमारे सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें. साइंस लाइक द नॉलेज कैन बी पुट अप टू द गुड एंड बेस्ड यूज एंड डिपेंडिंग ऑन द यूजर गिवन बिलो आर द सम ऑफ द एप्लीकेशन साइंस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एप्लीकेशन साइंस के बारे में था. फॉर्मुलेट योर व्यू ऑन whether the particular application is good, bad or something that cannot be clearly categorized. तो ये जो practical calculation, ये good है या bad है या फिर एक ऐसी चीज है जो कि इसको categorize नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में हमें बात करेंगे. The mass vaccination against smallpox to curb and the finally eradicate the diseases from the population. तो जो वैक्सीनेशन की अगर बात करें, जो पहले वैक्सीनेशन वगैरह भी होता था, अभी भी वैक्सीनेशन जो नया नया अभी आया हुआ है आपका चिकन पॉक्स वगैरह का, पहले जो वैक्सीनेशन होता था, अभी हमारे पास कोरोना का जो वैक्सीनेशन वगैरह है, तो उस वैक्सीनेशन में एक स्मॉल पॉक्स यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है टू क्रब द फाइनली इरेडिकेट द डिजीजेस फ्रॉम द पॉपुलेशन. दिस इज हैज ऑलरेडी बीन सक्सेसफुली डन इन इंडिया. तो ये जो कि हमारे पास इंडिया में पहले ही किया जा चुका है. Television for the eradication of illiteracy and mass communication of news and ideas. तो television जो है eradicate करता है literacy को और mass communication को, जो कि news और ideas वगैरह पे यहाँ पे काम करते हैं. Penetral sex determination, penetral sex determination की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास computer for the increase in work efficiency. computer क्या करता है, वर्क इफिशियंसी को बढ़ाता है, क्योंकि काम जल्दी से जल्दी होता है, वर्क इफिशियंसी बढ़ती है हमारी. पुटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऑर्बिट्स के आसपास रखते ताकि हम कम्युनिकेट कर सके अपनों से. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो है, जो बम वगैरह जो है, उसमें डेवलपमेंट होता है साइंस की वजह से. डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड पावरफुल टेक्नोलॉजी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वारफेयर. न्यू और पावरफुल टेक्नोलॉजी जो कि केमिकल वारफेयर से रिलेटेड है. प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पानी को साफ सुथरा करने के लिए साइंस की जरूरत होती है. प्लास्टिक सर्जरी के लिए होता है, क्लोनिंग के लिए होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास साइंस की मदद से आराम से हो सकती है. इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड अनब्रोकन ट्रेडिशन ऑफ ग्रेट स्कॉलरशिप. ठीक है, इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लैंग्विस्टिक एंड द लॉजिक एंड द एथिक, येट द पैरेलल येट टू बी द सर्वल सुपरस्टिशियस एंड द ऑब्स्ट्रैक्टिक एटीट्यूड एंड द प्रैक्टिस फ्लॉरिस्ट इन टू द सोसाइटी एंड अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू इवन द टूडे. तो ये सारी चीजें जो नई नई चीजें आ रही है, पर अभी भी पुरानी चीजें मान्यताएं जो है वो चलती आ रही है. अमॉन्ग मैनी एजुकेटेड पीपल टू हैव हाउ विल यू द नॉलेज ऑफ द साइंस एंड डेवलप स्ट्रेटजी टू द कंट्री देयर एटीट्यूड. तो वो जो बड़े पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, पर वो सारी चीजें जो है इस पर बिलीव भी करते हैं. सुपरस्टिशियस के ऊपर ये बिलीव करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर भी बिलीव करते हैं. एंड थ्रू आउट द लॉ गिवन वुमेन एंड इक्वल स्टेटस ऑफ इंडिया. तो लॉ जो है हमें क्या दिया गया, इक्वल स्टेटस इंडिया में दिया गया, क्योंकि सभी लोग समान है, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे कोई भी. मैनी पीपल होल्ड अनसाइंटिफिक व्यू ऑफ द वुमेन्स innate and the nature capacity and the intelligence into the practice given to them the second status and to the demolish this views using the scientific arguments. तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं अपने
फालतू तरीके को यूज करके, अपने आर्गुमेंट्स को यूज करके लड़कियों को डिमोलाइज कर रहे हैं, उनको काम करने को लेकर के वो नहीं देना चाहते हैं। एंड बाय द क्वोटिंग एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट वुमेन इन साइंस एंड ऑल द स्फेरिस एंड द प्रेशर योर सेल्फ एंड अदर द गिवन टू द इक्वल अपॉर्चुनिटी वुमेन और द पे ऑफ द मैन। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो वुमेन का है वो हमारे पास लड़कियों को, मैन को भी उतना ही दिया जाता है जितना वुमेन को देना चाहिए। मैन को, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, वुमेन को भी उतना ही देना चाहिए जितना मैन को यहाँ पे मिलता है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू हैव द ब्यूटी इन टू द इक्वेशन ऑफ द फिजिक्स देन हैव देम टू द एग्री विद द एग्जाम्पल एंड द ग्रेट ब्रिटिश फिजिस पी ए एम डिराक हेल्ड टू द View citizen have the statement look out for the question and the result to the book which strike as a beautiful। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एक ब्रिटिश ब्रिटिश फिजिसिस्ट ने कि इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव द ब्यूटी इन टू द क्वेश्चन टू द फिजिक्स दैट हैव देम एग्री विद द एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन इक्वेशन बनाने से अच्छा है उसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। थ्रू द स्टेटमेंट क्वोट्स अबव मे बी द डिस्प्यूट मोर मोस्ट फिजिसिस्ट टू हैव अ फीलिंग दैट द ग्रेट लॉ ऑफ फिजिक्स आर एट वन सिंप्लीफिकेशन सिंपली सिंपल एंड द ब्यूटिफुल एंड सम ऑफ द नोटेबल फिजिसिस्ट बिसाइड ड्रैक हु डू आर्टिकुलेटेड दिस फीलिंग एंड आर द आइंस्टाइन बोर Heisenberg and the Chandrasekhar are the famine and do you have the agree to the make special effort to get across to the general book and the writing by the। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो आए और उन्होंने अपने विचारों से, अपने एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी चीजें दुनिया को दी है। दे आर द विंग्स ऑफ द ट्रूली इंस्पायर्ड, तो उनके जो काम जो है एक्चुअली में ट्रूली इंस्पायर्ड है। इस टेक्स्ट बुक में हमारी बहुत सारी चीजें may give you as a wrong impression that studying science is dry to all the serious and that scientists are the absent-minded introvert who never love or green। तो यहाँ पे एक इसे मजाक के तौर पे नहीं लिया जाता कभी भी। and this image of the science and scientific is a potentially false scientist। Like any other group of the human have their the share of the humanities and the many many have lead to their the life with a great sense of the fun and adventure even they seriously pursued their the scientific work। तो वो बहुत सारी चीजें जो है सोसाइटी में काम करने के लिए चीजें बनी हुई है जो साइंस के साथ काम कर सकते हैं। एंड जनरेट थ्रू द ग्रॉम एंड द फैनम्स you will enjoy reading there the books listed into the bibliography। तो बहुत सारे ऐसे books दिए होती हैं, कुछ लोग दिए हैं वहाँ पे जो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप उस बुक को पढ़ के और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं बिब्लियोग्राफी के ऊपर। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।